बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी प्रोग्रामेटिक। व्यूअर, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कॉन्फ़िगर सेट अप योर मोडेम। व्यूअर, हम अपनी मोडेम की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे कब? व्यूअर, जब आपका मोडेम डिसकॉन्फ़िगर हो जाए तो इसके बाद इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि डिसकॉन्फ़िगर या रिसेट हो चुका है? व्यूअर, मोडेम में मेन लाइटिंग होती है, एक पावर लाइट, ये डीएसएल लाइट और एक इंटरनेट लाइट। जब आपके मोडेम में डीएसएल लाइट मौजूद हो और इंटरनेट लाइट ब्लिंकिंग करता हो या रीड हो या ऑफ हो, तो इस कंडीशन में ये डिसकॉन्फ़िगर हो चुका है। तो और इसको हम दो तरीक़ों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेथड नंबर वन जो है कॉन्फ़िगरेशन बैकअप फाइल। अगर आपने अपने मोडेम की वर्किंग कंडीशन में बैकअप लिया है तो आप उस बैकअप फाइल से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आपके पास बैकअप फाइल नहीं है तो मेथड नंबर टू, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए भी आप अपने मोडेम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, जब आप इंटरनेट कनेक्शन लगाते हैं तो पीटीसीएल वाले आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड देता है जिस पर आपका इंटरनेट चलता है, और उसके ज़रिए आप अपने मोडेम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप नियरेस्ट पीटीसीएल एक्सचेंज को कॉल करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हासिल कर सकते हैं, या पीटीसीएल हेल्पलाइन 1236 पर कॉल करके आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। तो बैकअप पर, कॉन्फ़िगरेशन पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं कि बैकअप फाइल से हम अपने मोडेम या राउटर को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन आज हम यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए उसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मैं अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ से अपने मोडेम की सेटअप पेज पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना आईपी एड्रेस एंटर करता हूँ। आईपी एड्रेस मोडेम के बैक साइड पर लिखा होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरा मोडेम का आईपी एड्रेस ये है तो मैं इसे एंटर करता हूँ। तो और आप देख सकते हैं कि मेरे मोडेम का सेटअप पेज लोड हो चुका है। यहाँ पर मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं, हर मोडेम का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन होता है। अगर ये एडमिन पर लॉग इन नहीं होता तो यूज़र नेम और पासवर्ड मोडेम की बैक साइड पर होता है, वहाँ से आप इसे चेक कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी सेव किया है, मैं इसको एंटर करता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर, आप देख सकते हैं मेरे मोडेम का सेटअप पेज लोड हो चुका है और ये मोडेम डिवाइस इन परमिशन जो है ये अब वर्किंग कंडीशन में है, ये काम करता है। तो मैं पहले इसको रिसेट करता हूँ आपको समझाने के लिए और फिर इसको दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये अब वर्किंग कंडीशन में है। और आप देख सकते हैं ये अब वर्किंग कंडीशन में। इसको पहले रिसेट करता हूँ, तो रिसेट करने के लिए मैं मैनेजमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट पर क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ वक्त लेगा, जब ये डिसकॉन्फ़िगर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे यूज़र नेम और पासवर्ड से इसका सेटअप करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब ये स्टोर हो चुका है, अब इसको दोबारा चेक करते हैं। तो मैं दोबारा यूट्यूब की पेज पर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। और आप देख सकते हैं देयर इज़ नो इंटरनेट। अब इंटरनेट काम नहीं करता क्योंकि मेरा मोडेम अब डिसकॉन्फ़िगर हो चुका है, ये रिसेट हो चुका है। तो अब इसको दोबारा
हम यूज़र आईडी, यूज़र और पासवर्ड के ज़रिए इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इज इंस्टॉलेशन पर क्लिक कीजिए। जब आप इज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने पीडीसीएल एक्सचेंज या हेल्पलाइन से इसे हासिल कर सकती है। मेरे पास ऑलरेडी मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ पर। और अप्लाई सेव पर क्लिक करता हूँ। तीवर ये कुछ वक्त लेगा, उसके बाद ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो जाएगा और अगेन ये वर्किंग मोड में आ जाएगा। अब मैं आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मेरा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस है ये सब इसने उठा लिया है और ये अब कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब पर दोबारा जाता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यार आपने देख लिया कि अगेन वर्किंग मोड में आ गया और ये अब काम करता है, ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हुआ विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। देवर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।